तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम केम छो कसकाए क्यों आ रहा है सस्री अकाल। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे तो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ। तो हम आज कुछ करने ऐसे ही वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, बट लेकिन उसके पहले आई वांट टू से हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। चैनल का नाम ये है, चैनल का नाम ये है। यस, ये तो बिग बॉस हमने 15 आपको नहीं चल रहा है, ये तो हमने आपको क्लू दिया है कि हम आज करने जा वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं बिग बॉस 15 का रिव्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल वर्डिक्ट सॉर्ट ऑफ रिव्यू बिकॉज फिनाले होने वाला, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक फिनाले हो जाएगा। शुरू से देख रहे हैं सीजन हम लोग हर साल डिसाइड करते हैं कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक ऐसा कीड़ा है एडिक्शन जो है यार, हम दोनों के अंदर घुसा हुआ है। मजा आता है देखने, दूसरों के घर में देखने में मजा तो आता ही है, क्या हो रहा है कुछ भी कहो। तो इसलिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉप 5, और हम बहुत ही दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रूडेस्ट रिव्यू एवर। तो हमें जो लगता है कंटेस्टेंट्स के बारे में हम वो बोलेंगे। तो शुरू करें, आई एम एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले तुमको अपने फेवरेट टॉप 5 बताती हूँ। फेवरेट टॉप 5 या तुम्हें लगता है कि ये पहुंचेंगे टॉप 5? अब ये छोड़ो, ये बताओ कि आपको जो पहुंच चुके हैं, जो पहुंच तुम्हें लगता है जो पहुंचेंगे। देखो अभी तो जो पहुंचे हैं, राखी पहुंच चुकी है, बिकॉज़ टिकट टू फिनाले मिल चुका है, करण कुंद्रा पहुंच चुका है, उमर पहुंच चुका है, और कौन जा चुका है? उमर अभी लटक रहा है। हाँ, उमर की तो बैंड बजने वाली है इस वाले वीकेंड में। दो हाँ, और कौन पहुंच चुका है? ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन तो जा ही चुके हैं, इनके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, मुझे मैं चाहती हूँ कि शमिता शेट्टी जरूर जाए, एंड आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज बिटवीन प्रतीक एंड निशांत। मैं दोनों को पसंद करती हूँ, तो मेरा बस चले तो मैं करण और उमर को हटा के ना प्रतीक और निशांत को ले जाऊँ, बिकॉज दीज टू आर माई पर्सनल फेवरेट्स। तुम्हें क्या है, तुम्हारे सेम है कि? सेम, मेरा भी ऐसा ही है। अगर करण और उमर को हटा दें तो निशांत और प्रतीक को लगा दें तो बेटर है, बट तुम्हारे ज्यादा टॉप 5 होने कौन चाहिए? I truly deserve कि राखी सावंत तो होनी चाहिए, प्रतीक निशान। I really love शमिता शेट्टी, शमिता और कौन है घर में? तेजस्वी बची है जो पसंद नहीं है तुम्हें? ज़्यादा नहीं, बस I think मेरे हिसाब से ये चार लोग तो जाने। बिचुकले I'm not very sure, but ये चार लोग मेरे like टॉप लिस्ट में है। चुकले पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है कुछ। हाँ, वो चल रहा ऐसे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका। सर मुझे तो लगता है सच में वो जो बोलता है ना ट्रॉफी मैं उठा कर लेकर जाऊँ, वो ले ही ना जाए, वो ले ही ना जाए, मेरे को तो यही टेंशन होती है। तुम्हारे फेवरेट 5 यही है सेम मेरे वाले हैं। तो चलो इनके बारे में बात करते हैं, कौन कर क्या रहा है घर में, थोड़ा सा देखते हैं, मसाला डालते हैं थोड़ा सा। पहले मुझे ये बताओ तुम, रश्मि और देवोलीना क्या सीन है? भैया मैं सच बताऊं, इनका जो ड्रामा चल रहा है ना, रश्मि देसाई तो मुझे फूटी आंख नहीं पसंद है। कैसी लाइक द वे शी टॉक्स एंड द वे शी कंडक्ट्स हरसेल्फ। उमर यही तो, इसीलिए तो वो गुस्सा हो जाता है कि यार ये कैसे बात करती है, चिल्लाती है। मतलब शी I'm sorry, but रश्मि देसाई, मुझे क्या लगता है रश्मि और देवोलीना का ना पहले से सोच के आएंगे, क्योंकि बिग बॉस 13 में जो चिल्लाया वो भी वो बिग बॉस 13 में थी ना, तो उसमें उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, इन लोगों ने बाहर से ये लोग प्लान करके आएंगे कैसे करेंगे, अंदर आके इनकी पता नहीं वो प्लानिंग है कि इनकी बन नहीं रही है, क्योंकि वो जो उसके पैर पे लगने के बाद जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, लग तो रहा था मुझे इनके मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। हाँ। बट कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का प्लान भी है। पता क्या, बहुत ज्यादा ही क्लासलेस कॉन्वर्सेशंस करती है रश्मि देसाई, सब प्लान लग रहे हैं। और इवन देवोलीना का अगर तुम देखो, मुझे बीच में जैसे अभी लास्ट का तो जो हफ्ता गया हुआ है जिसमें शी वाज लाइक अगेंस्ट विन चुकले, उसके बाद जाके फिर से कि मैं आपके कपड़े वोट बैंक है, उसका वोट बैंक है, उसको ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट द हेल, लाइक नो स्टैंड्स बीच में देवोलीना का, मुझे लग रहा है कि गेम थोड़ा सुधर रहा है, बट अगेन शी इज बैक ऑन टू द सेम ट्रैक। मुझे रश्मि और देवोलीना का ये आपस में दो ही चीजें लगती है मुझे, इनका एक तो लाउडनेस, दूसरा अननेसेसरी बातों पर लड़ना बहुत ज्यादा, और जो भाई जो खुद ही कचरा फैलाते हैं उसी को साफ करना।
आप बात करते हैं दादा की, विंसुक ले दादा की। आई ना ना वो है नाना पाटेकर का डुप्लीकेट। सस्ता नाना पाटेकर ले रही, जिसको ना तो नाना पाटेकर को साइन नहीं कर सकता वो इसको कर ले। लेकिन सनी एड़ा बन के कोई पेड़ा अगर खा रहा है तो दैट इज विंचुक ले दादा। भाई मैं वो अभी वो ना करके भी ना वो बहुत कुछ कर रहा है, पता नहीं कैसे ही इज ऑलवेज इनटू लाइमलाइट। मुझे जब जब वो आया ना, जब वो आया ना तो मुझे लगा ये एक हफ्ता भी टिक नहीं, मुझे भी लगा था। लेकिन भाई जो ये खेला है और जो हफ्ते पर हफ्ते जो उसका गेम अप हुआ है, अगर तुम चीज नोटिस करोगी तो पूरे एक घंटे के एपिसोड या एक डेढ़ घंटे के एपिसोड में आधा घंटा कम से कम उसका आता है। और वीकेंड कोई ऐसा जाता नहीं जिसमें विंचुक के बारे में बात ना हो, लाइक एवरी टाइम ऑल द गेस्ट हूएवर आर लाइक इनवाइटेड गेस्ट दे ऑलवेज टॉक अबाउट अरे दादा प्रणाम लाइक यू नो समथिंग ऑन द अदर। एंड दूसरी वो एंटरटेन तो करता है, कुछ भी करो एंटरटेनिंग तो जबरदस्त है। महाराष्ट्र में ही हैज अ ग्रेट वोट बैंक बिकॉज उसने मराठी बिग बॉस किया हुआ है, सो पीपल एग्जैक्टली नो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड ऐसा भी नहीं डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व करता भी है क्योंकि वो भाई बहुत एंटरटेन करता है, उसकी हरकतें देखने में इंसान एंटरटेन हो जाता है। वो सब कल क्या बोला करण को एपिसोड में, कहता है कि मैंने 12 दिन इसके साथ बर्बाद किए, मैंने तुम लोगों के साथ किया होता तो मैं आगे जा रहा होता। वो समझता सब और डेढ़ निशाना है वो। अब बात करते हैं शमिता शेट्टी के क्लास सोफिस्टिकेशन, मतलब भाई वो बंदी झगड़े में भी ऐसे अजंता लोरा की खूबसूरत मूर्ति लगती है। तो जब वो वाला ये वाला जो था टास्क जिसके अंदर उसे कुछ फंसाना था या बोलना था, उसकी सिर्फ आंखें बंद थी। भाई सही बात है, करण एक बात से बोली कोमा में चली गई है ये, लाइक क्या खूबसूरत लगती है। एंड देन शी इज प्लेइंग विद सो मच ऑफ डिग्निटी एंड क्लास। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लास्ट टू लास्ट वीक I really did not like Shamita because she was supporting a gang of ये KK और Umar और Tejaswi. Otherwise, जब वो individual अपने OTT वाले के साथ खेलती है, प्रतीक और निशांत के साथ, she's at her best. नहीं, but अभी भी इसमें जो खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, थोड़ा slow खेल रही है, थोड़ा down हो गई है, लेकिन वो वाला नहीं है कि Shamita Shetty मतलब जीत जाएगी, वो वाली feeling नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा खेल रही है, बहुत subtle खेल रही है, और वो जैसे वो actually खेल रही है शुरू से। Weekend के बाद जैसे जो वार हो रहा है जिसमें सलमान जी अपना वो बताते हैं आके, आई थिंक कभी कभी वो थोड़ी डिमोटिवेट ज्यादा हो जाती है, वो जोन आउट हो जाती है उस चक्कर में, फिर वो इवैल्यूएट एंड कैलकुलेशन के हिसाब से करने लगती है चीजों को। बट डूड आई जाती है बीच में, लेकिन वो बहुत एक सटल वे में खेल रही है, करेक्ट बहुत इजी और बहुत अच्छा खेल रही है एक्चुअली। आप देखो अगर इस चीज को कि जब राकेश बापट आया और नेहा भसीन आई और लोग चले गए, रोई वो बंदी बैक टू नॉर्मल, शी नोज शी इज हर टू प्ले, वो लोग पर्सनल लाइफ से संभाल लेगी बाहर जाके, सबके बस की होती नहीं इमोशनल बैलेंस करना। ओवरऑल बहुत अच्छा खेल रही है, आई स्वेयर, आई मीन आई रियली लाइक शमिता शेट्टी इस गेम। बिग बॉस 15 अगर जाना जाएगा तो शमिता शेट्टी के नाम से जाना जाएगा। और ये बोलते ना, बात करते ना लोग, अरे वो तुमने बिग बॉस देखा है 15, अरे शमिता शेट्टी वाला, ये वो वाली बात, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वाला, जैसे हम कर दे रहे वैसा वाला। बात करते हैं ओटीटी की, बात हो रही है तो दो जिगरी यार की, प्रतीक और निशांत भाई तो हाँ प्रतीक और निशान, मुझे लगता है अगर मैं बीबी 15 में होती, निशान भट्ट वुड हैव बीन माय फ्रेंड। निशान का ऐसा ही इज ऑलराउंडर, वो एंटरटेनिंग भी है, वो मजे भी लगाता है, टास्क भी शिद्दत से करता है, और सब कुछ खाना भी बनाता है किचन में, बात हर जगह रहता है, ही इज ऑल ओवर एवरीवेयर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि निशान बोलता बहुत सही जगह है और क्या लपेट के मारता है, मतलब जैसे कि बीच में जब आई थिंक कोई करण तेजस्वी का झगड़ा हुआ था तो करण कुंद्रा बढ़ा अपना सिंपैथी लेने के लिए, तो निशान मुझे तो से बात करनी है, निशान ने क्लियर कट मूव किया,
तेजस्वी को भी जब कभी भी पूछती है ना उससे कभी बोलता है ना आप सुनना ये चाहते हो कि तू सही है, तू सही वो ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, वो सही बोलता है, he will say what is right, वो सीधा बोला कि भाई वो सही है भाई, मैं से तो तुम्हें भी वही करता हूं, उसको भी यही जाके बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट आई लव बिकॉज़ इवन इन आवर रियल लाइफ वी वांट फ्रेंड्स लाइक जो सच बताए कि ऐसा नहीं कहा बहुत अच्छी लग रही है और बाद में मेरे को बाहर जाके लोग कह रहे हैं उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो सबका है, लेकिन जो कैलकुलेटिव भी अगर खेल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, गेम ही है ना, खेल अच्छा अगर कैलकुलेटिव भी है और अगर उसका लोग बोलते हैं एक पैटर्न है ऐसे वो खेलता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, पहुंच रहा है ना, आई थिंक इज पैटर्न इज वर्किंग फॉर हिम, पैटर्न इज पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चलने से मतलब है काम होने से मतलब है, बस इमोशनल क्वोशेंट पे अगर निशांत और प्रतीक को देखो तो मुझे निशांत काफी ऊपर लगता है इमोशनल क्वेश्चन पे, बिकॉज ही हैज गॉट रिलेशन इन द हाउस, ही हैज गॉट लाइक अ डिफरेंट इक्वेशन विद तेजस्वी, ही हैज गॉट डिफरेंट इक्वेशन विद करण, मतलब सब राखी के साथ वो अलग वो रहता है, सो आई फील प्रतीक थोड़ा रिलेशनशिप और स्टेप बैक ले लेता है हल्का सा, निशांत के साथ कभी भी उसने ऐसा किया भी है टास्क के अंदर की जब, लेकिन वो निशांत के लिए जरूर खेलता अगर वो ये होता, निशांत को ये तो लगा अपार्ट फ्रॉम देयर वाज अ वीक जहां पे वो देवोलिना और निशांत के बीच में देवोलिना के लिए खेलना चाह रहा था, बट अगेन वो उसका भी पॉइंट सही था बिकॉज़ ही सेड कि ऐसा तो नहीं कि तू मेरी वजह से नॉमिनेट हो रहा है, मैं बस देवोलिना को सपोर्ट कर रही हूं, देवोलिना बहुत करती है, सो ही हैज टू पे हर बैक एज़ वेल, यू नो, तो ये सारी चीजें, बट आई फील प्रतीक एंड निशांत बोथ आर डिजर्विंग, मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन निशांत की तरफ ज्यादा है, इसका थोड़ा प्रतीक की तरफ ज्यादा है, सो इसके बाद द मोस्ट इरिटेटिंग कपल बोलूं कि ना पहले डिसाइड कर लेना तो वो है या नहीं, कल के एपिसोड ना प्रतीक ने क्या धोया है तेजस्वी को, कहता है इसको ये जो तुम्हें मैच्योरिटी वाले बचकान के रिलेशनशिप्स चला रहे हो ना, मैंने कहा ब्रो सीरियसली ये इतना आपस में पागल हुए पड़े हैं, आई डोंट नो, मैं ना मतलब मैं मेरा तो इनके साथ सीन कैसा नहीं, तुमको तो पता है मैं जितना देर बिग बॉस देखती हूँ और ये दोनों कपल आ रहे होते, मतलब ये कपल आ रहा होता है ना, दोनों आ रहे होते स्क्रीन पे, अभी लड़ाई हुई है मत कर, मैं और एक घंटे के बाद तेजस्वी सुना ना बोलो ना खाना खाओगे करोगे वो करोगे, मैं क्या लड़की है ब्रो, इसके कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, 2 मिनट करते हैं 2 मिनट उससे कहीं ज्यादा, ये लोग ना सिर्फ हिचकिचा रहे हैं दूसरे के साथ, समझ रही हो, दे आर इरिटेटेड, मैं बता रही हूं दिस इज व्हाट वी कॉल अ टॉक्सिक कपल, इन दोनों की बात हो रही है तो उमर आई जस्ट डोंट लाइक हिम, उमर बहुत लाउड इन इरिटेटिंग, अरे मैं बोल रहा था मैं से बात करो, अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, बोलो बोलो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं ऐसे कर रहा था, मैं ये ओवरलैप हर चीज में जब कोई बोल रहा होता है तो बीच बीच में बोलेगा, बीच बीच आदमी है, अगर मैं बोल रहा हूँ अरे मुझे बोलने तो दे भाई, तू बीच में से ही लगा हुआ है, अरे नहीं मैं सुनने मैं वाला, आसिम को जितना पसंद करती थी इस ये बंदा मुझे पसंद है, आसिम लाउड था, आसिम लाउड था, लेकिन आसिम अब पहले वो उसको मौका नहीं मिलता था बोलने का, लेकिन उसको जब मौका मिला वो सही चीज के लिए बोलता था, गलत जाता था कुछ चीजों पे, लेकिन इसकी तरह इरिटेट उसको पकड़ के मारा है अब वो फिजिकली हो गया ना एक तरीके से, सबसे ज्यादा अगर किसी की फटी पड़ी थी तो किसी की फटी पड़ी थी कि भाई की ऑडियंस लाइव वोटिंग वगैरह करेगी कुछ तो करेगी, पता नहीं क्या होने वाला, बट उमर ठीक है बस जस्ट ओके, मतलब बिग बॉस 15 जीते ना जीत गया ना तो मतलब गंदा वाला विनर होगा फिर, मजा वो मेरे को आई एम सॉरी बट रूबीना दिलैक भी कोई खास तो नहीं थी, बट वही वाला सीन हो जाएगा, कह नहीं सकते हैं बट एटलीस्ट रूबीना दिलैक को जानते तो हैं लोग जानते हैं उसने काम किया है, काम किया है, अदरवाइज उमर जस्ट ओके। अच्छा तो अब ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन जीतना चाहिए और जो तुम्हें लगता है कि जीतेगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रतीक सहजपाल जीत जाएगा, मतलब ऑडियंस का वोट बैंक काफ़ी है एंड आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, तो उसका पीआर टीम इज ऑन द टॉप ऑफ द गेम,
ठीक है, तो ये सब चीजों का आजकल बहुत फर्क पड़ता है इफ यू नो. हाँ, तो प्रतीक सचपाल हो सकता है जीत जाए, बट मैं पर्सनली चाहती हूँ कि राखी सावंत बिग बॉस का जीत जाए. तो मेरा ये जो पर्सनली मैं चाहता हूँ वो राखी सावंत जीते. ये चीज हम लोग जोड़ी, लेकिन जो मुझे लगता है जीतेगा वो है शमिता शेट्टी. अब बाय द वे मैं शमिता को भी फॉलो करती हूँ इंस्टा पे. PR गेम काफी हाई है, काफी हाई है. आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो. और चाहते हो कि और रिएक्शन वीडियोस या रिव्यू वीडियोस किसी भी सीरीज का, नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी चीजें आती है, कुछ करना है आपने बस भैया हम देखेंगे. ऐसा है, कोविड की लहर आ चुकी है, फिर से वो नेटफ्लिक्स पे जीवन जाने वाला है हमारा या यूट्यूब पे जाने वाला है, तो आप हमें बताना, हम वो शो को जरूर रिव्यू करेंगे. और इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है, अगर आप हमें बता दो हम खुद ही देख लेंगे. और इसी बात पे सब्सक्राइब कर टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो. एंड वो साइन ऑफ करो जो करते हैं बिग बॉस में वीकेंड का बार में. डू नॉट ट्रबल योर मदर, हाँ सॉरी, माता पिता और भारत माता. बाय.